सो अगर आप क्लास 25 में अपने ब्रांड को रजिस्टर करवाते हैं, यानी कि अपैरल्स कैटेगरी क्लोथिंग में अगर अपने ब्रांड को रजिस्टर कराते हो, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं, जैसे कि कुर्ती, साड़ीज, टी शर्ट्स, लोअर्स, जैकेट्स, हुडीज, बच्चों के कपड़े, बहुत कुछ आप सेल कर सकते हो अगर आपका ब्रांड क्लास 25 में रजिस्टर्ड है तो, यानी कि आप अपने ब्रांड को क्लोथिंग कैटेगरी में ट्रेडमार्क करवाते हो। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को विंटर वियर से रिलेटेड तीन, स्पेशली मेन को टारगेट करते हुए, स्वेटशर्ट, जैकेट और हुडीज, इन तीन को अगर आप Amazon और Flipkart पर सेल करना चाहते हो या करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसमें कितना खर्चा आएगा, कहां से हम ये प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, कहां से हम बल्क में परचेज कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है मार्केट प्लेसेस पर सेल करने के लिए, और अगर हम उसको 699 रुपए में सेल करते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना बैंक सेटलमेंट मिलेगा, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु, आप सभी का स्वागत है चैनल कनेक्शन बिजनेस पर। देखिए, सबसे पहली चीज आपको यह समझनी पड़ेगी कि अभी जो मंथ चल रहा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तब है अगस्त, ठीक है, और कुछ ही महीनों में फेस्टिव सीजन चालू हो जाएगा और फेस्टिव सीजन खत्म होते ही विंटर के सीजन चालू हो जाएंगे। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये 5 महीने में बहुत अच्छी सेल्स होती है सभी मार्केट प्लेसेस के ऊपर स्वेटशर्ट्स, जैकेट्स और हुडीज की। तो अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं या फिर आप इस नीश में उतरते हैं, इस कैटेगरी में उतरते हैं, तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है और इसमें आप अच्छा खासा बिजनेस जनरेट कर सकते हो। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। अभी भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो। देखिए, अब अगर हम Amazon या Flipkart पे जाके सर्च करते हैं जैकेट्स फॉर मेन, ठीक है ना, या फिर हुडीज फॉर मेन या फिर स्वेटशर्ट फॉर मेन, तो हमें बहुत सारी वैरायटीज मिलती है। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जितने भी जैकेट्स, हुडीज और स्वेटशर्ट है ना, ये ज्यादातर पंजाब के लुधियाना में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज है। जैसे हम कहते हैं ना कि हर एक प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा हब होता है जहां से प्रोडक्ट, जैसे अगर आप शूज के बारे में जानना चाहें कि शूज कहां अच्छे बनते हैं, तो वो आगरा में बनते हैं। उसी प्रकार टी शर्ट्स कहाँ अच्छे बनते हैं बल्क में, तो वो तिरुपुर में बनते हैं। तो अगर आप स्वेटशर्ट, जैकेट्स और वुलन कपड़े, सर्दियों के ठंड के कपड़े अगर आप लेना चाहते हो, तो आप लुधियाना जाएं और लुधियाना में आपको बहुत सारी फैक्ट्रीज मिलेगी, और उन्हीं फैक्ट्रीज में जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, चाहे वो जैक एंड जॉन्स हो, चाहे एलन सोली हो, चाहे किलर हो, जितने भी बड़े ब्रांड्स जो इन मार्केट प्लेसेस पर या अपने ऑफलाइन स्टोर्स पर वुलन कपड़े सेल करते हैं, स्वेटशर्ट, स्वेटर, जैकेट, हुडीज, वो सब वहीं पर बनते हैं। ये बात सच है। तो अब आपको अगर इस तरीके के प्रोडक्ट लाने हैं, तो आपको एक बार वहां जाकर विजिट करना पड़ेगा। बहुत सारी फैक्ट्री से जाकर मिलिए और बहुत सारे ऐसे वेंडर्स और एजेंट्स मिल जाएंगे जो आपको बहुत शॉर्ट क्वांटिटी में ये बिजनेस के लिए हेल्प कर देंगे और आप इसे ले सकते हो। दूसरी चीज, अगर आप इंडिया मार्ट पे भी सर्च करेंगे, तो आपको इंडिया मार्ट पे भी ये बहुत सारे ऐसे वेंडर्स और सेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स मिल जाएंगे जो आपको आपके इस बिजनेस को शुरू कराने में मदद करेंगे। देखिए, अभी भी टाइम है, लेट नहीं हुआ है, ऑर्डर्स लग जाते हैं, बहुत पहले से ही लग जाते हैं, लेकिन आप अभी भी अगर बात करेंगे तो शायद आपको कुछ अच्छी क्वालिटी के जैकेट्स, हुडीज और स्वेटशर्ट्स भी मिल जाए। तो अब बिना किसी देरी के आपको मैं ले जाता हूँ मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वहाँ पर बताता हूँ कि एक 699 में अगर हम प्रोडक्ट सेल करते हैं तो हमें कितना पैसा मिलता है। सबसे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि 9 सितंबर से Amazon की पॉलिसीज चेंज हो रही है। इससे पहले हमने जितने भी वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस के अंदर मैंने जो आपको कमीशन स्ट्रक्चर बताया, वो अब थोड़ा चेंज हो गया है, और मैक्सिमम जो कैटेगरीज मैंने कवर की है उसमें जो मैंने कमीशन स्ट्रक्चर लिया है Amazon का, उससे जो अब है वो थोड़ा कम ही होगा, ज़्यादातर कैटेगरीज में वो थोड़ा कम ही हुआ है, ठीक है। तो अब आने वाले वीडियोस जो भी होंगे उसमें मैं अपडेटेड फीस और कमीशन जो है वो ऐड करने वाला हूं, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि अब कितना मिलेगा 9 सितंबर के बाद अगर कोई 699 में हम लोग किसी भी जैकेट, स्वेटशर्ट या कोई भी वुलन कपड़े को सेल करते हैं, तो हमारा नेट सेटलमेंट, जो बैंक से सेटलमेंट है, वो कितना होगा, हमें ये मार्केट प्लेसेस कितना पैसा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात अगर हम लोग करते हैं Amazon की, तो Amazon के ऊपर Amazon ने जो कमीशन पहले हुआ करता था वो 20-25% का हुआ करता था, जैकेट्स और स्वेटशर्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। 20-25% दोस्तों बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब उसे Amazon ने चेंज कर दिया है, थैंकफुली बहुत कम कर दिया है। 0 से 500 में सेल करोगे तो मात्र 8% है, और 500 से ज़्यादा में सेल करोगे तो 12% है। कहाँ 20-22-24% और कहाँ 12%। तो मेरा ये मानना है ये बहुत अच्छी चीज़ Amazon ने की है। एक क्लोजिंग फीस Amazon आपसे चार्ज करेगा, जो आप देख सकते हैं, अलग अलग स्लैब यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, 4, 9,
30 और 61, ये आपकी जो भी प्राइस होगी। जैसे अगर आप 699 में सेल कर रहे हो तो आप देख सकते हो 501 से 1000 रुपीज के बीच में 30 रुपीज आपका एक क्लोजिंग फी ये लोग चार्ज करने वाले हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो शिपिंग चार्जेस हैं उसमें भी बहुत माइनर से चेंजेस किए हैं इन्होंने, वो 1-2 रुपये इन्होंने बढ़ा दिए हैं लोकल शिपिंग चार्जेस में जो हायर लेवल पे। तो आप जैसे ही स्टार्ट करोगे ना तो आप बेसिक लेवल में रहेंगे, और बेसिक लेवल के अंदर अगर आप देखते हैं तो लोकल ऑर्डर आता है तो 55, और जोनल आता है रीजनल आता है तो 60.5, और नेशनल ऑर्डर आता है तो 81। तो जो हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेशन करने वाले हैं उसके अंदर हम लोग ज़्यादा ही लेंगे, ठीक है ना, कि हमारा जो सबसे मैक्स टू मैक्स खर्चा आएगा उसके बाद कितना हमारा बैंक सेटलमेंट बनता है। तो अब आप कैलकुलेशन की अगर बात करते हैं तो हमने सेलिंग प्राइस 699 ले लिया है, कमीशन इसके ऊपर 12% ले रहे हैं, ठीक है, तो 83.88 इसके ऊपर कमीशन हो गया। क्लोजिंग फी इसके ऊपर 30 रुपये लगेगी क्योंकि ये 501 से 1000 रुपये के अंदर है, और शिपिंग नेशनल जो है हमने 81 रुपीज़ ले लिया है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक IGST, यहाँ पर मैंने एक GST दे रखा है 35.08 का। ये प्रोडक्ट के ऊपर लगे वाला GST है, आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर प्रोडक्ट के ऊपर सिर्फ 35.08 कमीशन थोड़ी ना होगा। इस प्रोडक्ट की जितनी भी कमीशन और क्लोजिंग फी और शिपिंग नेशनल चार्जेस जो इन्होंने लिए हैं इसके ऊपर जो सर्विसेज ये जो दिए उसके ऊपर 18% अमेज़न आपसे कमीशन चार्ज करेगा, उसका 35.08 जो है वो होता है कमीशन के ऊपर GST। ये हमें बाद में ITC भी मिल जाता है, इसका हमें क्लेम मिल जाता है, ठीक है। तो इन सबको अगर हम टोटल करते हैं तो इन सबकी जो टोटल आती है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, इन सबकी जो टोटल आती है वो आती है 229.95। तो 699 को 229.95 में से अगर माइनस करते हैं तो हमें मिलता है बैंक सेटलमेंट 469.04 रुपीज़ का। तो Amazon हमें ये कहता है कि हमने आपका 699 रुपये में प्रोडक्ट सेल करवाया, उसके बदले में हम आपको सारी फीस काट कुटा के, जो भी चार्जेस वो काट कुटा के आपको 469 रुपीज़ दे रहे हैं। अब इसमें आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट, आपने अगर एडवर्टीजमेंट रन किए वो, इसमें आपका लेबर, आपकी जितनी भी पैकेजिंग है वो कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट इसके अंदर कवर हो जाएगी, और उसके बाद जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट होगा। तो ये चीज़ आपको कंसीडर करनी है कि Amazon पे 699 में अगर आप सेल करते हो तो आपको 469 रुपीज़ मिलेंगे। हाँ, ये एस्टिमेटेड है, इससे थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा प्लस माइनस नहीं होगा कि आपको 469 की जगह 369 ही मिल रहा है, थोड़ा बहुत हो सकता है, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि अगर आप कोई प्रोडक्ट 200 या 250 रुपये में लेके आते हैं वहाँ से, या 300 रुपये में भी लेके आते हैं, तो आप 169 रुपीज़ का आराम से प्रॉफिट बना रहे हैं इसके ऊपर। फ्लिपकार्ट ने अभी तक जो फी है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, तो मैं आपको फ्लिपकार्ट के भी सिस्टम को समझा देता हूँ कि फ्लिपकार्ट पे क्या चार्जेस लग रहे हैं, ठीक है। देखो, फ्लिपकार्ट की जो रेफरल फी है वो अभी भी ज़्यादा है। अगर आप देख सकते हैं कि 300 से 500, मतलब 500 रुपीज़ तक तो आपको 20% देना ही है, 0 से 300 और 300 से 500 20%। एक सेल पर अगर 500 रुपये तक का प्रोडक्ट, तो 20%, 100 रुपये तो यही ले जा रहा है। 501 से 1000 रुपये पे 26% और 1000 से भी ज़्यादा पे 26%। तो Amazon का भी यही स्ट्रक्चर हुआ करता था कुछ टाइम पहले, लेकिन Amazon ने उसे 8 और 12% पे लिया है। मेरे को लगता है Flipkart भी बहुत जल्दी, शायद ये जो फेस्टिव सीजन की सेल आ रही है उससे पहले पहले इसे चेंज कर देगा। ऑलराइट, फिक्स फी की अगर बात की जाए दोस्तों, तो फिक्स फी के अंदर इन्होंने फ्लैट 69 रुपीज़ की एक फिक्स फी कर रखी है, और उसके बाद शिपिंग चार्जेस के अंदर इन्होंने 0 for local, 0 for zonal और 16 रुपये इन्होंने नेशनल की फी रखी हुई है, जो बहुत कम है। तो इन्होंने जो ये 69 रुपीज़ की फिक्स फी है ना, ये एक फिक्स फी कर दी है कि ये तो आपको देनी देनी है। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट कैलकुलेशन, तो Amazon पे आ रहा था हमारा जो बैंक सेटलमेंट हो रहा था, सॉरी प्रॉफिट कैलकुलेशन नहीं, बैंक सेटलमेंट जो हो रहा था वो 469 का हो रहा था। अब देखते हैं फ्लिपकार्ट के ऊपर कितना होता है सेम प्राइस के सेम प्रोडक्ट को। 699 का प्रोडक्ट है, इसके ऊपर हमारी 20% के हिसाब से 139.08 रुपीज़ इसके ऊपर हमारा कमीशन लग रहा है। फिक्स फी 69 रुपीज़ की लग रही है, और शिपिंग चार्जेस जो है वो 16 रुपये लग रहे हैं। इन सभी फी और इसके ऊपर जो फ्लिपकार्ट का जो GST लग रहा है वो लग रहा है 40.46 रुपीज़। अब इन सबको अगर हम माइनस करते हैं 699 में से, तो 433.74 रुपीज़। 469 उस पे था और 433 इस पे आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है 12 से 10% का जो बढ़ गया है, जो 10% कमीशन ज़्यादा ले रहा है फ्लिपकार्ट, उस वजह से यहाँ पर 10% की जो है कमाई हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अब आपको देखना है कि आपको कौन से मार्केट प्लेसेस के ऊपर जाना है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं कुछ टिप्स आप लोगों को देना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो, ये जो वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है उन लोगों के लिए जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं, और उनको इसके ऊपर सारी डिटेल्स मिलने वाली है कि यार हम कोई प्रोडक्ट सेल करेंगे तो बेसिकली मार्केट प्लेसेस के ऊपर कितना खर्चा आएगा। अब अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो तो आपको होस्टिंग डोमेन वगैरह लेनी पड़ेगी, पूरा वेबसाइट डेवलप करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मार्केट प्लेसेस पे सेल करते हो तो आपको प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, प्रोडक्ट लिस्ट करके उन्हें सेल करना है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अभी जैकेट करें, बाद में टी-शर्ट्स का कर सकते हैं, लोअर्स का कर सकते हैं, स्पोर्ट्स वेयर्स का कर सकते हैं, ठीक है ना, जर्सीज का कर सकते हैं, बच्चों के कपड़े कर सकते हैं। तो क्लास 25 एक ऐसी क्लास है, कैटेगरी है, जो आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे देती है प्रोडक्ट सेल करने के।
लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें से इस कैटेगरी के अंदर रिटर्न्स का भी प्रॉब्लम रहता है, साइज़ का इशू रहता है, क्योंकि लोग पहनते हैं, फिटिंग नहीं होती है तो रिटर्न कर देते हैं। तो ये चीज़ आपको कंसिडर करके चलनी पड़ेगी। इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर सेलिंग थ्रू योर ओन वेबसाइट और थ्रू मार्केट प्लेसेस। अगर आप मार्केट प्लेसेस के थ्रू सेल करेंगे तो भी रिटर्न आएंगे, और अगर आप अपनी वेबसाइट के थ्रू सेल करेंगे तो भी आपको कस्टमर रिटर्न आएंगे साइज़ की वजह से। तो ये चीज़ आपको मान के चलनी है, ये पार्ट एंड पार्सल है इस बिज़नेस का, ई कॉमर्स इंडस्ट्री का, और इसी तरीके से ये बिज़नेस किया जाता है। सो अब अगर आप इसको सेल करना सीखना चाहते हैं, अपने ब्रांड को बिल्ड करना चाहते हैं, एक प्रॉपर ई कॉमर्स बिज़नेस मार्केट प्लेस के जरिए बनाना चाहते हैं, तो हमारा एक अमेज़न सेलर मास्टरी कोर्स है जिसको आप ट्राई कर सकते हो, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप फ्री में सीखना चाहते हो तो मैं उसकी पूरी प्लेलिस्ट आपको साइड में दे रहा हूँ, आप उससे भी सीख सकते हैं। और ये जो प्रोडक्ट रिसर्च की जो प्लेलिस्ट है ये भी मैं साइड में दे रहा हूँ, इससे भी आप सीख सकते हो। सो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।